हाई प्रोटीन की हमारी नेक्स्ट डे की रेसिपी में है मूंगफली। मूंगफली में तो आप सब जानते ही होंगे कि बहुत सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का खजाना ही होता है समझ लो। तो इसे हम पीनट बटर बनाएंगे, जो बहुत ही देर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और इसे चपाती या ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं और अपने बच्चों को ज़रूर से देना चाहिए। जो बच्चे जिम पे जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसे बिना ब्रेड के भी चमचे भर के सुबह रोज खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है बस बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बन जाता है, 1 से 2 मिनट में ही। आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मूंगफली चाहिए। ये मेरी पास 1 कप मूंगफली का है। इसे हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे बिना घी के, इसी तरह से इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। जब तक इसका छिलका नहीं उतरने लग जाता तब तक इसे रोस्ट करना है हमें, और इसे कम फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करेंगे, नहीं तो ऊपर से काली हो जाएगी, फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये देखिए हमारी मूंगफली का छिलका उतरने लग गया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके छिलके हटा देंगे इस तरह से हाथ से रगड़ कर, बहुत ही आराम से इनके छिलके उतर जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे मूंगफली के ऊपर से छिलका उतार लिया है, और ये बीच में थोड़ी सी ब्राउन है तो और भी अच्छी है, क्योंकि पीनट बटर का कलर और भी अच्छा बन जाएगा। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे। 30 सेकंड के लिए चला दिया, फिर बंद कर दिया, फिर चला दिया, इस तरह से करते रहेंगे। सबसे पहले इसका पाउडर बन के तैयार होगा। ये देखिए 1 मिनट चलाने के बाद ये तरतरा पाउडर हो गया। अब इसमें हम 1/2 पिंच नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर के शहद डालेंगे। ये आपकी इच्छा है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इसे डालना ही चाहिए। आप शहद की जगह इसमें गुड़ को भी मेल्ट करके डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे शहद में डाल रही हूँ। अब इसे हम फिर से मिक्सी को चला देंगे, इसे वही उसी तरह रुक रुक के चलाएंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे। ऐसा करने से एक बार में ऊपर आ जाता है जैसे, इसे नीचे करके फिर से हम चला लेंगे, क्योंकि हम इसे बिल्कुल ड्राई है तो थोड़ा सा पीसने में मुश्किल होती है। अब ये ड्राई ही है, हमारी मूंगफली ही ऐसी है। अगर आपके पास बहुत ही अच्छी वाली मूंगफली है तो इसमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें हमने 1 चम्मच भर के ऑलिव ऑयल का डाल दिया है। अगर ऑलिव ऑयल ना हो, पीनट बटर ऑयल हो तो उसे डाल सकते हो। इसे डालने से ये देखिए हमारा पीनट बटर अच्छे से बन चला है। अब इसे हम एक बार और चला लेंगे, इसकी स्मूथ सी पेस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा पीनट बटर बन के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा मुलायम और मक्खन जैसा बन गया है। अब इसे हम एक किसी भी सूखी डब्बी में निकाल के रख सकते हैं, जब भी दिल करे इसे खा लो। बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत ही ताकत होती है, तो बच्चों को तो ज़रूर से देना चाहिए। और ये ख़राब भी नहीं होता काफ़ी दिनों तक, अगर फ्रिज में रख लो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें पानी नहीं हमने डाला बिल्कुल भी। अब इसे हम ब्रेड के ऊपर लगा के दिखाते हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे, हल्का सा ड्राई कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन करके। बिना घी के ही हम इसे सेक रहे हैं, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से
जितना दिल करे उतना पीनट बटर लगा सकते हो। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक और शहद डाला है, तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसमें टेस्ट आ जाएगा। आप इसे भर भर के भी लगा सकते हो। ये देखिए हमारी ब्रेड बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। कम समय में और कम सामान में घर में सस्ते से में पीनट बटर बन के तैयार हो जाती है। बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।